संडे की इस महामुकाबले में आपका स्वागत है। जी आप देख रहे हैं मनोरंजन का बाप, और आज के इस मुकाबले में बहुत ही शानदार मुकाबला रहा। पहला मुकाबला रहा केकेआर वर्सेस सनराइजिंग हैदराबाद, और आज का मुकाबला भी जो है सुपर ओवर के फैसले से हुआ। फाइनली कोलकाता ने हैदराबाद को हराया। लेकिन उसके दूसरे मैच में जी हम बात करें मुंबई इंडियंस वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब का, ये मैच सबसे ज्यादा चर्चित मैचों में से रहा, क्योंकि इतिहास में सब पहली बार हुआ है कि सुपर ओवर भी जो है टाई हो चुका है। जी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मुंबई इंडियंस ने फर्स्ट इनिंग में जी हाँ 176 पे 6 विकेट के स्कोर पे अपना स्कोर खड़ा किया, जिसमें से केरन पोलार्ड ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 12 गेंदों पे 34 रन का योगदान किया, जिसमें 4 छक्के शामिल थे, और नाथर कुल्टन नायल ने भी 12 गेंदों पे 24 रन बनाकर जो है नाबाद गए और उन्होंने भी 4 चौके मारे। लेकिन उसके बाद बात करें तो पंजाब की भी हालत जो है खास कुछ अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर भी उन्होंने भी जो है 176 पे जो है 6 रन का जो है स्कोर पार कर लिया था और मैच जो है पहला सुपर ओवर हो गया। अब पहले सुपर ओवर में जी हां दोस्तों बुम बुम बुमराह की गेंदबाजी के आगे कोई भी बल्लेबाज किंग्स इलेवन पंजाब का नहीं टिका, और पहले ही जो है 0 रन पे आउट हो चुके पूरन। निकोलस पूरन के आउट होने के बाद सारा प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ा केएल राहुल के ऊपर। केएल राहुल भी कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और आखिरी गेंद पर वो भी आउट हो गए और स्कोर बना सिर्फ 5 रन। जी हम बात करें सुपर ओवर में मिला मौका जीतने के लिए 5 रन, और ये 5 रन को डिफेंड करना सबसे बड़ी बात थी। हम बात करें मोहम्मद शामी की शानदार गेंदबाजी की, तो आज जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि मोहम्मद शामी ने 5 रन जो है बचाए हुए ऐसी टीम के सामने जो 4 बार की चैंपियन है आईपीएल की। जी हम बात करें रोहित शर्मा ने लगातार जो है खराब प्रदर्शन का जो उनका दौर है वो लगातार बना हुआ है, और ऐसे हालात में उन्होंने जो है सबसे पहले सुपर ओवर में बल्लेबाजी का जो फैसला लिया वो अपना का निर्णय गलत था, और मात्र 5 रन भी जो है डिफेंड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से सुपर ओवर भी फिर से टाई हो गया। अब बात करें फिर से बल्लेबाजी की, तो अब जैसा कि आप पता होगा कि अभी तक सुपर ओवर इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सुपर ओवर भी टाई हुआ। अगर सुपर ओवर फैसला टाई हो जाता तो यह फैसला होता कि ज्यादा चौके और ज्यादा छक्के किसने मारे थे पहले सुपर ओवर में, तो जिसने ज्यादा चौके और जिसने छक्के ज्यादा मारे होते वो टीम जीत जाती। लेकिन ये पहला ऐसा सुपर ओवर था जिसमें चौके छक्के पड़े ही नहीं, इसलिए दोबारा सुपर ओवर खेलना पड़ा। अब इस दोबारा सुपर ओवर जो ऊपर खेला गया उसमें एक और बहुत ही बेहतरीन चीज ये हो गई कि यानी कि बुम बुम बुमराह गेंदबाजी नहीं करेंगे, और जो बैट्समैन बैटिंग कर चुके हैं यानी कि रोहित शर्मा बैटिंग नहीं करेंगे। अब आ गए बुमराह की जगह पे दूसरे बॉलर और आ गए मोहम्मद शामी के बदले क्रिस जॉर्डन। अब बल्लेबाजी थी मुंबई की, और मुंबई की फर्स्ट इनिंग थी सेकंड सुपर ओवर में। जी हाँ, और बल्लेबाजी करने आए केरन पोलार्ड और कुंगफू पांड्या कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, रन आउट हो चुके। लेकिन जो है सुपर ओवर में उन्होंने 11 रन का जो स्कोर कर लिया और बहुत ही बेहतरीन स्कोर बनाया, फिर भी जो है इसे डिफेंड नहीं कर पाए मुंबई इंडियंस, क्योंकि जो ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी थी वो जो है किंग्स इलेवन पंजाब के आगे कुछ नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले मैदान पे जो आए सुपर ओवर के दूसरे पारी में वो आए यूनिवर्सल बॉस यानी क्रिस गेल और मयंक अग्रवाल। जी हाँ, सुपर ओवर के पहले ही गेंद में जो है उन्होंने छक्का लगा के इस बात को साबित कर दिया कि वो यूनिवर्सल बॉस अभी तक हैं, और यूनिवर्सल बॉस ने जो है 2 गेंदों पे 7 रन का स्कोर किया। उसके बाद बाकी का बचा काम मयंक अग्रवाल ने 2 गेंदों पे 2 चौके मार के पंजाब को। जी हाँ, ये मुकाबला था बॉटम वर्सेस टॉप का, और इसमें जो है बॉटम जीता, यानी कि किंग्स इलेवन पंजाब अपने आखिरी पायदान पर।